शिवना नदी के बीच में दशोरा समाज की कुलदेवी विराजित हैं। साल में एक बार यहाँ पर देश भर से दशोरा समाज के लोग पहुँचते हैं और कुलदेवी की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार भी दशोरा समाज के लोगों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुलदेवी की पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में दशोरा ब्राह्मण समाज के पुरुष और महिलाएं शिवना नदी के बीच में नाव से पहुंचे और अपनी कुलदेवी की पूजा अर्चना की। सभी लोगों को प्रशासन की देखरेख में नाव में बैठा कर कुलदेवी के समक्ष पहुँचाया गया। वहीं श्रद्धालु आनंद दशोरा ने बताया कि 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तब उस क्रूर मुस्लिम शासक ने लाखों की संख्या में दशोरा ब्राह्मण समाज के लोगों को मौत के घाट उतारकर शिवना नदी में लाशों को फेंक दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से जो लोग बच गए वे सभी देश के अलग अलग राज्य में अपना रोजगार स्थापित कर सरकार की मूल धारा में शामिल हो गए। तब से लेकर आज तक दशोरा समाज के लोग कुलदेवी की पूजा अर्चना करने यहाँ पहुँचते हैं। हमारी कुल देवी भगवती अम्बा आज शिवना नदी के मध्य में विराजित है और मान्यता है कि इस दशपुर नगरी का जो नाम रखा हमारे दशोरा नागर ब्राह्मण समाज जब बहुतायत मात्रा में था यहाँ पर उसी से दशपुर नगरी का इसका नाम हुआ। परंतु 13वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर आक्रमण हुआ और श्रावणी कर्म करते हुए हमारे दशोरा नागर ब्राह्मण समाज को यहाँ उनकी हत्या की गई। जब उनकी यज्ञोपवीत तोली गई शव उनके शव से निकाल करके तो बताते हैं कि 125 यज्ञोपवीत उनके शवों से निकाली गई। उसके बाद हमारे दशोरा नागर ब्राह्मण समाज ने संकल्प लिया कि शिवना नदी जिसमें हमारे समाज के परिजन बुजुर्गों को पूर्वजों को इस नदी को खून से लाल किया इसका जल हम नहीं पिएंगे। हमारा समाज इस पूरे भारत के अलग अलग नगरों में जाकर के और वैश्य बन करके हम व्यापार करने लगे, व्यापार करके राष्ट्र की मुख्यधारा में मिल गए। समाज जन प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को आते हैं और पिछले 700 वर्ष से जब हम लोग यहाँ से मंदसौर से विस्थापित हुए थे, जेनोसाइड हुआ था जब मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था और समूच जो ब्राह्मण समाज था दशोरा ब्राह्मण समाज उनका शीश काट के उन्होंने एक मीनार बनाई उस प्रकार जो उनने एक नशन सत्याकांड किया था उसके बाद से सबने मंदसौर छोड़ दिया था। जिनको तीन चीज़ें रहती हैं उस समय भी आपने सबने देखा होगा अभी अधिकांश पिक्चरों में, जैसे आपने कश्मीर फाइल देखी होगी उसमें देखा था कि मर जाओ भाग जाओ इस्लाम कबूल कर लो। तो हमारे लाखों की संख्या में दशोरा ब्राह्मण परिवार मारे गए, कुछ लोग भाग गए, बाकी किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो जो भागे हुए हैं उनके ये वंशज आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 से 4 हज़ार की संख्या में आए हैं पूरे देश भर से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ऐसे आदि आदि राज्यों से आए हैं। हम जैसा कि सभी सर्वविदित है कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हमारे मंदसौर में हमारी माता जी का शिवना नदी में विसर्जन करके पलायन हो गया था हमारे समाज का। तो हम लोग यहाँ पर अभी करीब 15 साल से कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ आएँ और एक माता जी की पूजन करके एक समाज को नई दिशा दें। बहुत अच्छा और एक मन में बहुत ही धर्म भाव अच्छा लगता है कि धार्मिक माहौल भी बनता है और एक हमारे मन में एक खुशी मिलती है कि हम अपने कुल देवता से रूबरू दर्शन कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।